अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और पॉइंट से बाद वाली वैल्यू थोड़ी सी तब्दीली है। टू का टू मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस ये एफ़ किसको कहते हैं, एफ़ कहते हैं 15 को, और 15 मल्टीप्लाई बाई 16। अब पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, ये इधर 1 लग गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 16। जैसा कि हमने ऑक्टल में भी देखा, इधर अपोजिट साइड में जाना होता है, ऐसे 0 1 जितनी भी आगे वैल्यूज़ होती हैं हम आगे जाते रहते हैं, 2 3 4 5 6, और इधर माइनस 0 से नीचे की तरफ जाना है, 0 से नीचे होता है -1, पॉइंट के बाद -2 -3 -4, 4 वैल्यूज़ थी पॉइंट के बाद 1 2 3 4। और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 और ऊपर पावर 1 है वो तो 16 के बराबर ही रहेगा, और जिसके ऊपर भी 0 आ जाए उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 15, पॉइंट आ गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.125, प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.00039, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर -3, 0.000977, और प्लस ये सब कुछ कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि पावर है ना वो भी नेगेटिव में, 0001068 का क्या बन गया है। नाउ कैलकुलेटिंग बोथ, 32 प्लस 15, आगे ये सब कुछ मिला है ना तो ये 0.13 बनता है, ये वाला 0.13 के बराबर। देखे ना कितने ज़ीरो लगे हुए हैं, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, वो करने से ही हुआ कम होकर 0.13 के बराबर आ गए। सो ये बन जाएगा 47.13 बाय कंबाइनिंग बोथ 47.13, और ये बाय डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं।